जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक सिंटेक्स इंडस्ट्रीज है और एक कंपनी सिंटेक्स प्लास्टिक है। यहाँ पर हम लोग सिंटेक्स प्लास्टिक की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं, जो कि अब डिलिस्ट हो गया स्टॉक मार्केट से, यानी कि अब इस पर्टिकुलर कंपनी में ट्रेडिंग नहीं होती। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन कब हुआ था, 10 फरवरी 2023 को, यानी कि 10 फरवरी को इसमें लास्ट अंतिम बार ट्रेडिंग हुआ था और उसके बाद से स्टॉक मार्केट से स्टॉक गायब हो गया। जितने भी शेयर होल्डर्स थे इस स्टॉक में, जिन लोगों ने पैसा लगाया था, उनका पैसा एकदम जीरो हो गया, वो लोग एकदम परेशान है। देखिए, अब जब शुरू में आपको पता चला कि इस कंपनी का विवाद अभी NCLT में चल रहा है, तो NCLT में जैसे इस कंपनी का विवाद गया, उसी समय आपको इस स्टॉक से बाहर हो जाना चाहिए था, क्योंकि NCLT में जाने के बाद सामान्यतः ही शायद ही कोई ऐसी कंपनी होती है जिसमें इन्वेस्टर्स का पैसा उनको वापस रिटर्न होते हुए दिखता है। यहाँ पर किसी का पैसा रिटर्न नहीं हुआ, सबका पैसा जीरो हो गया। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जो आप देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर अंतिम बार ट्रेडिंग सेशन इसका ओपन किया हुआ, इस कंपनी का लास्ट बार ट्रेडिंग हुआ ये 10 फरवरी है और 10 फरवरी 2023 को 2.30 रुपये पर इसने अपना अंतिम बार क्लोजिंग दिया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब इसका विवाद NCLT में गया तो उसके बाद ये दोबारा रिलिस्ट नहीं हुआ। रिलिस्ट हुआ था ये कंपनी दिसंबर 2022 के आसपास, देखेंगे तो रिलिस्ट भी हुआ था, लेकिन वापस फिर से फरवरी 2023 में देखेंगे तो वापस से डिलिस्ट हो गया और अब हमेशा के लिए इस कंपनी का कहानी खत्म हो गया सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का। यही हाल सिंटेक्स प्लास्टिक का भी होने वाला है। सिंटेक्स प्लास्टिक का भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको। यहाँ पर आप देखेंगे एक न्यूज है जिसमें बताया गया है कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के शेयर का क्या होगा, तो इसमें आराम से लिखा गया कि सिंटेक्स इंडस्ट्री डिलिस्ट हो जाएगा। हालांकि ये 22 मई 2022 का ही ये अपडेट है जब ये कंपनी NCLT में गई थी और NCLT में जाने के बाद उसी समय स्पष्ट हो गया था कि ये कंपनी डिलिस्ट हो जाएगा। तो जो लोग समझदार लोग थे, जिन लोगों को मतलब शेयर बाजार में एक्सपीरियंस है, काफ़ी दिनों का उनको तजुर्बा है, तो वो समझ गए थे कि अभी पूर्ण रूप से डिलिस्ट हो ही जाएगा, भले कुछ दिनों के लिए वापस से रिलिस्ट हो। लेकिन ये वापस से रिलिस्ट भी हुआ, लेकिन देखिए ये जो यहाँ पे बात लिखा हुआ है एकदम 100% सत्य हो गया। रिलिस्ट ज़्यादा दिन चला नहीं और वापस से हमेशा के लिए ये कंपनी डिलिस्ट हो गया। BSE इंडेक्स वेबसाइट पर देखेंगे, पहले जब यहाँ पर हम लोग सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को सर्च करते थे तो इस कॉलम में सिंटेक्स प्लास्टिक के साथ साथ सिंटेक्स इंडस्ट्रीज का भी नाम आता था और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के नाम सिंटेक्स प्लास्टिक के ऊपर आता था। आपको पता है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज और सिंटेक्स प्लास्टिक दो अलग अलग कंपनियाँ हैं, लेकिन अभी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज सर्च करने पर नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ जब सिंटेक्स सर्च कीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स प्लास्टिक शेयर ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिंटेक्स इंडस्ट्रीज जो कंपनी थी अब वो आपको पूर्ण रूप से स्टॉक मार्केट से डिलिस्ट हो गई है और आपका पैसा इसमें से हमेशा के लिए चला गया है। तो अगली बार से जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ध्यान रखिए कि एक तो छोटी कंपनी में पैसा मत लगाएं, यानी कि एक जो पेन स्टॉक है और खासकर उनमें जिनके ऊपर कर्जा बहुत अधिक है, तो इससे करके आपको अगली बार नुकसान उनसे बच सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि हमेशा मिड कैप या जो लार्ज कैप कंपनियां होती है, हालांकि उसमें रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा लेकिन आपका पैसा सामान्यतः सेफ रहेगा और कम से कम बैंक से ज़्यादा रिटर्न तो आपको मिल ही जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अपडेट आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं मैं जरूर बताइएगा और मुझसे पर्सनली जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।